मंत्र पर कर रहे धरना प्रदर्शन को लेकर युवा साथियों की मांग है और बहुजन समाज पार्टी की सपोर्ट में एक ये जो रैली निकाल रहे हैं और जो गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ है, आइए हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम देवाशीष जरारिया है और मैं इस मेरे टीम ने और हमने इस धरने का आयोजन किया है। हमारी मांग ये है कि सरकार के नीतियों पर सवाल उठाना वाजिब है। नीट सरकार की वो नीति है जिसने हमारे कई होनहार छात्रों को निगल लिया है, रोहित वेमुला, डेल्टा में एक बार और अब अनीता। कब तक ये जुर्म चलता रहेगा? कब तक हम अपने इन सरकार की इन गलत नीति की वजह से अपने मेधावी छात्र खोते रहेंगे? जब रोहित वेमुला के लिए एक साल तक इंसाफ के लिए हर जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो केवल इस बात पर रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है कि रोहित दलित नहीं ओबीसी था, उसकी जाति को टारगेट किया जाता है। लेकिन जो मुद्दे हमारे थे उन मुद्दों पर बात नहीं की गई, उन मुद्दों को नहीं समझा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने अनीता को देखा। अनीता एक मेधावी छात्रा 12 में से 11 से 76 लेके आने के बाद उसकी हालत ये कर दी जाती है कि वो आत्महत्या कर लेती है। वो लड़की जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आती है और सरकारी गलत नीति की वजह से अपनी जान दे देती है। हर बहुजन समाज का हर बच्चा जो अनीता को अपना आदर्श मानता है वो आज उसके लिए उठ के खड़ा हो चुका है। हम लोग सरकार की नीतियों पर गलत नीति पर सवाल उठाएंगे और जब सरकार की नीतियों पर गलत नीति पर सवाल उठाते हैं तो गौरी लंकेश होता है। गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानेसर, कुलबुर्गी, इनकी हत्या हो जाती है। लेकिन हम इन हत्याओं से डरने वाले नहीं है क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। तो अंबेडकरवादी संविधान की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े होंगे, इसीलिए आज बहुजन समाज के पूरे देश भर से नीले झंडे के नीचे सब लोग आए हैं क्योंकि ये सब अंबेडकरवादी हैं। और अंबेडकरवादी संविधान की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े होंगे, बोलने के अधिकार के लिए सबसे पहले खड़े होंगे और हम सवाल सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाएंगे, बार बार उठाएंगे। जब जब आप गलत नीतियां लाओगे हम यहाँ सड़कों पर उतरेंगे, हम दिखाएंगे कि नीला झंडा अब उठ खड़ा हुआ है आपकी नीतियों के खिलाफ। हम आपकी नीतियों का खुल के विरोध करेंगे। जितनी गोली चलवानी है उतनी गोली चलवाओ, गोलियां खत्म हो जाएगी पर अंबेडकरवादियों के सीने खत्म नहीं होंगे। तो मेरे साथियों, मेरा सबसे अनुरोध है कि सरकारी गलत नीतियों, चाहे कितनी भी हत्याएं हो, हम देख रहे हैं कौन इन हत्याओं को सेलिब्रेट कर रहा है। हमने ये तो नहीं पता हमें कि किस विचारधारा, किसने, किन लोगों ने ये मारा है, पर हमें ये पता है कि किस विचारधारा ने इनको मरवाया है, कौन विचारधारा है जो सेलिब्रेट कर रही है। बीएसपी यूथ एक बीएसपी सपोर्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जरिए हम देश भर के युवाओं को नीले झंडे के नीचे बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लोगों को जोड़ रहे हैं और हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे, राजनीतिक मुद्दों को उठाएंगे और देश भर में एक अलग जगाएंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे और इस सरकार के खिलाफ तैयार करेंगे। 2019 में हमारा मोटिव है कि नरेंद्र मोदी को बताना है, 2019 में उसको हटाना है। अभी आप लोग नारे लगा रहे थे कि जो दलितों का हनन करेगा और सड़कों पर खून बहेगा, तो इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है सर, अभी हमें खबर मिली है कि सहारनपुर में क्या हो रहा है कि सहारनपुर में जो बहुजन के लड़के, जो दलित छात्र छात्राएं जो अंदर जेलों में बंद है, उन पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने महीने से उनको जेलों में बंद करके रखा है, अब उन पर एनएसए लगाया जा रहा है। सरकार किस बिना पर उन पर एनएसए लगाने वाली है? ये सारी तरकीबें ये है कि इस समाज के जो छात्र छात्राएं, युवा जो उठ खड़ा हुआ है, जागृत हो गया है, उसको कैसे भी दमन कर दी जाए, कुचल दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने बोला है कि अगर दलितों पर अत्याचार होगा तो हम सड़कों पर उतर के आएंगे, सड़कों पर उतर के उनको बताएंगे कि अंबेडकरवादी हर उस विचारधारा के खिलाफ है जो संविधान विरोधी है। दीपक जी, अभी सहारनपुर की बात थी, सबीरपुर की बात थी और परसों ही मुजफ्फरनगर के अंदर एक दलित महिला के साथ ये कांड हुआ है। जी, ये कांड हो रहा है, ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन उन्हें जो भी ये लोग कर रहे हैं, प्रशासन उनको पीछे से पूरा फुल सपोर्ट दे रहा है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ गया। नहीं तो एक बार मुद्दा हो गया, उस मुद्दे पर अगर प्रशासन जागृत होता और प्रशासन कार्रवाई करता तो वो लोग दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन उन्हें प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए वो लोग बार बार ये घटनाएँ कर रहे हैं और एक विशेष वर्ग के लोगों को मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, दबा रहे हैं। सर, अभी गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ और ट्विटर पे जाके ट्वीट किया जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये देश में देश की भावनाओं भड़काने के लिए उन्होंने एक सेना, एक टीम बना रखी है जो डिजिटल टीम बोली जाती है, जिसे डिजिटल इंडिया बोली जाती है। वो डिजिटल इंडिया सिर्फ यही है कि ट्विटर के माध्यम से देश को कैसे भड़काया जाए, वही हमारी डिजिटल इंडिया है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। बागी जी, आप भी इस युवाओं के साथ में शरीक हुए हैं, आज जो दलितों पर इस तरीके का जो
आक्रमण हो रहा है और दलितों पर क्या बहुजन समाज पर आक्रमण हो रहा है, मुस्लिमों पर आक्रमण हो रहा है, कभी बैकवर्ड को टारगेट बनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है मेरे हिसाब से कि ये सोच समझ करके एक साजिश है जी। जिस तरह इन लोगों ने सरदारों को मारा, मुसलमानों को, अब ये दलित समाज को मारना चाहते हैं। इनका यह है कि उनके लेखक, साहित्यकार, उनके नेताओं को वो उभरने के पक्ष में नहीं है। उनका एक डिप्लोमेसी ये प्रोग्राम है और हमको इसका मुकाबला करना है। उन्होंने अब से पहले एक कांड उड़ीसा में किया था, आपको याद होगा कि वो एक जीप में आग लगा करके वो मारा था। और एक इस तरह बहुत सी कहानी सहारनपुर में हो रही हैं, अभी यहाँ पर गाजियाबाद में हो रही हैं, पत्रकार को चुन चुन के मार रहे हैं। और ये किसको मारना चाहते हैं, मेरे एक और प्रश्न है कि हथियार बांटते हैं और ये जो RSS के लोग हैं ये हथियार लेके चलते हैं, तो ये हालांकि किसको मारना चाहते हैं? अशोक की तरह अशोक ने हथियार फेंक दिया था, तो ये दोबारा से हथियार ये मारना किसको चाहते हैं, ये बात बड़ा प्रश्न है। एम थैंक यू, जय भीम, जय भारत।